A Very good morning, second class students. This is your EVS class and I am your teacher Tripta here. Students, this is chapter number twelve and name of the chapter is my home mera ghar. बहुत ही प्यारा, बहुत ही interesting chapter है। अभी जो हम लोगों ने पिछला chapter बेटा डिस्कस किया था, उसमें हमने different types of houses डिस्कस किए थे कि houses अलग-अलग होते हैं। अलग-अलग जगह पे अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग घर बनाते हैं और हमने ये भी पढ़ा था कि घर एक ऐसी जगह होती है जो हमें सर्दी गर्मी बारिश बर्फ़ चोर जानवर सभी जो बाहरी खतरे होते हैं उन सभी से बचाती है मतलब ये है कि घर एक हमारा छोटा सा प्यारा सा ऐसा सुरक्षित स्थान है जिसमें हम पूरे ऐशो आराम के साथ रहते हैं अपने घर में हर कोई राजा होता है अपना घर बहुत प्यारा होता है सभी को और आप बच्चों को मैंने कहा भी था कि आप लोग हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखोगे ठीक है अब घर देखो छोटा बड़ा हो सकता है किसी का घर छोटा है किसी का घर बड़ा हो सकता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से घर में अलग अलग कमरे बना लेते हैं घर का बड़ा होना फैमिली मेम्बर्स पे भी डिपेंड करता है और घर का बड़ा होना हमारी ज़रूरतों पे भी डिपेंड हो सकता है आज हम लोग यही बातें डिस्कस करेंगे कि हमारे घर में कौन कौन से कमरे होते हैं और घर में हमारी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए होते हैं और हमें अपने घर को साफ सुथरा कैसे रखना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर Chapter number 12, My Home, and it's page number 75. Each chapter may सबसे बड़ी बात जो हम लोग सीखेंगे वो है हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप योर हाउस क्लीन ये बात मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ बेटा कि आप सेकंड स्टैंडर्ड में पहुँच गए हो इतने से बड़े आप हो गए हो कि घर के छोटे छोटे काम आप लोग कर सकते हो मम्मा की हेल्प कर सकते हो एटलीस्ट अपने खिलौने जगह पे रखो खेल लो जितना मर्ज़ी खेलो और खेलने के बाद खिलौना जगह पे रख दो तो, अपनी बुक्स प्रॉपरली जगह पे सुंदर से तरीके से अपना स्टडी टेबल नीट एंड क्लीन डेकोरेट करके रखिए आप लोग अपने जो कपड़े होते हैं गंदे कपड़ों को मम्मा जहाँ भी लॉन्ड्री बैग पे या मशीन में जहाँ भी डालते हैं वॉशिंग मशीन में वहाँ पे आप डाल सकते हो और सॉक्स हैंकी आई कार्ड वगैरह आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन्हें संभाल के रखना सीखिए ठीक है फीचर्स ऑफ अ हाउस वी विल डिस्कस इन द चैप्टर एंड हाउ टू कीप हाउस क्लीन कैसे घर को साफ सुथरा रखना है ये भी हम लोग Let's go. Which room is shown in the picture? Name any five things which are present in the room. ये जो पिक आप लोग देख रहे हैं बेटा ये कौन सा रूम हो सकता है देखो यहाँ बेड लगा हुआ है तो बेड से बेडरूम ये हो सकता है और इसमें फाइव थिंग्स आपको क्या क्या नज़र आ रही हैं मुझे तो देखो फैन एसी क्लॉक चेयर टेबल बुक्स टेबल लैम्प करटेन विंडो बेडशीट है पिल्लो है बेड है इनमें से किसी कोई सी भी पांच चीजों के नाम आप लोग लिख दीजिएगा अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं हाउस इज अ प्लेस वेर वी लिव मेनी हाउसेस है अ हाउस इज़ अ प्लेस वे अवेलेब घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं और बहुत खुशी खुशी बहुत आराम से रहते हैं मैनी हाउसेज़ हैव डिफरेंट रूम्स फॉर वेरियस यूजेज अलग अलग जगह पे अलग अलग काम तो होते हैं अलग अलग कमरों में जैसे किचन है तो किचन में कुकिंग का काम होता है डाइनिंग रूम में खाना को खाया जाता है बेडरूम में सोया जाता है या रेस्ट किया जाता है बाथरूम में हम लोग नहाते हैं ब्रश करते हैं और नीचे लिविंग रूम है जहां बच्चे टीवी देख रहे हैं या जहां पर हम लोग गेस्ट को बिठाते हैं गेस्ट से बात करते हैं बातें करते हैं फीचर्स ऑफ अ हाउस अ हाउस कैन हैव मेनी डोर्स एंड विंडोज सम विंडोज है फ्रॉम एंटरिंग द हाउस फीचर्स ऑफ अ हाउस एक घर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है तो जैसे आप लोग यहाँ पिक में देख सकते हो एक विंडो है और मोस्टली विंडोज जो हमारी होती हैं वो कवर होती हैं उनके ऊपर नेट या जिसे आप लोग वायर स्क्रीन्स कह सकते हो वो लगी हुई होती हैं ताकि मक्खियाँ मच्छर हमारे घर के अंदर ना आ मच्छर हमारे ऊपर अटैक ना कर सकें अ हाउस हैव अ हाउस कैन हैव मैनी डोर एंड विंडोज़ घर में वही खिड़कियाँ दरवाजे तो होते ही हैं और बहुत होते हैं सम विंडोज़ हैव वायर स्क्रीनस और मोस्टली जो विंडोज़ होती हैं जो खिड़कियाँ होती हैं उन पर वायर स्क्रीनस लगी होती हैं नैट जाली जिसे हम कहते हैं वो लगी हुई होती है दी स्क्रीन स्टॉफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज फ्राम एंट्रिंग द हाउस ये मक्खियों और मच्छरों की एंट्री बंद कर देती हैं ताकि वो हमारे घर के अंदर घुस ना सके हमें बीमार ना कर सके विंडोज एंड वेंटिलेटर्स अलाउ एयर सर्क्यूलेशन इनसाइड अ हाउस वेंटिलेटर्स हेल्प टू रिमूव स्टेल एयर फ्रॉम द हाउस विंडोज एंड वेंटिलेटर जो होते हैं बेटा खिड़कियां और वेंटिलेटर वो होते हैं जो छोटी छोटी खिड़कियां हम लोग रखवाते हैं विंडोज़ के ऊपर भी आपने देखा होगा उन्हें वेंटिलेटर्स कहते हैं इनसे जो होती है हवा सर्कुलेट होती रहती है सर्कुलेशन मीन्स अंदर बाहर आती जाती रहती है वेंटिलेटर्स हैव टू रिमूव स्टे लेयर फ्रॉम द हाउस स्टे लेयर मीन्स बासी हवा ठीक है या जिसे आप लोग कह सकते हो कि ताजी हवा को वो अंदर आने देते हैं और जो हवा बासी हो जाती है स्टेल हो जाती है उसे वो लोग उसे वेंटिलेटर्स और विंडो बाहर भेज देते हैं विंडोज एंड that can make us जर्म्स जी विंडोज और डोर जो होते हैं बेटा खिड़कियां और दरवाजे जो होते हैं उनसे सनलाइट घर के अंदर आती है ठीक है और सनलाइट घर के अंदर आती है तो उसकी वजह से जो जर्म्स होते हैं जो कीटाणु होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं वो मर जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं अब हमने डिस्कस किया घर के बारे में फीचर्स ऑफ अ हाउस और हमने डिस्कस किया कि तीन चीज़ें वेंटिलेटर विंडो एंड डो वेंटिलेटर और विंडो का काम यहाँ पे क्या होता है वेंटिलेटर और विंडो मक्खी मच्छरों को घर के अंदर आने से रोकते हैं ठीक है और जो फ्रेश एयर होती है चाहे डोर है चाहे विंडो है चाहे वेंटिलेटर हैं वो फ्रेश एयर को अंदर आने देते हैं और स्टेल एयर बासी हवा जो होती है उसे बाहर फेंक देते हैं विंडोज को हम मोस्टली कवर करते हैं वायर स्क्रीन से जाली जिसे हम कहते हैं उसे हम कवर करके रखते हैं ताकि मक्खियां मच्छर अंदर आकर के बीमारियां ना फैलाएं। Why do we close doors and डू वी क्लोज is a storm? भाई जब तूफान आता है तो तूफान के साथ देखो मिट्टी पत्ते कागज डस्ट वगैरह बहुत कुछ उड़ के आती है तो वो घर के अंदर एंट्री ना करें इसलिए हम विंडोज़ या डोर्स को क्लोज कर देते हैं सेकेंडली जब तूफान आता है तो बहुत ज़ोर से हवा चलती है जिसकी वजह से विंडो पे या डोर पे जो शीशे लगे हुए होते हैं वो टूट जाते हैं इसलिए ड्यूरिंग स्टॉम या बारिश के दौरान भी हम लोग विंडोज और डोर जो होते हैं उन्हें बंद कर देते हैं वी शुड ऑलवेज की लिविंग इन हाउस कैन मेक हमें हमेशा अपना घर साफ सुथरा रखना है इट्स अ प्रोमिस ये पक्का प्रोमिस कर लीजिए हमें अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखना है क्योंकि गंदी जो जगह होती है बेटा वहाँ पे बीमारियाँ रहती हैं तो हमें बीमार तो होना नहीं है बीमारियाँ हमें पालनी नहीं हैं इसलिए हमें, हमें हमेशा अपना घर साफ सुथरा रखना है क्लीन होम वी कैन कीप अम क्लीन इन मेनी वेज द फ्लोर शुड बी वेल डस्टेड एंड क्लीन विदरी डे वी शुड कीप द टॉयलेट क्लीन घर को साफ सुथरा रखना है तो पहला प्रोमिस क्या है रोज पोचा लगेगा घर में ठीक है जो फ्लोर है जो फर्श है वो वेल well डस्टेड होना चाहिए झाड़ू पोछा डेली होना चाहिए घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए ये काम वैसे बच्चों के करने का नहीं है लेकिन अगर मम्मा ने कर रखा है तो उसे गंदा ना करना ये तो आप लोग कर ही सकते हो वी शुड कीप द टॉयलेट क्लीन ये भी बात ध्यान रखने की है अब इसमें चलो आप लोग छोटे बच्चे हो क्लीन तो आप लोग नहीं करोगे लेकिन फ्लश करना मत भूलना वॉशरूम जब भी यूज़ करते हो तो टॉयलेट सीट आप यूज कर रहे हो इवन यूज करने से पहले और यूज करने के बाद दोनों टाइम हमें सीट जो होती है वो साफ सुथरी हमारी होनी चाहिए स्पेशली जब आप कहीं किसी और का वॉशरूम यूज कर रहे हैं टॉयलेट सीट यूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा होम इन टू अ डस्टबिन प्लेस्ड आउटसाइड थर्ड जो हमारा प्रोमिस था वो था द फ्लोर ऑफ द बाथरूम एंड किचन शुड बी कैप्ड क्लीन एंड ड्राई बाथरूम और किचन स्पेशली वहाँ पर पानी जो होता है ज़्यादा यूज होता है लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पोचा वगैरह लगाते रहें हम टाइमली और उसे बिल्कुल सूखा रखें नेक्स्ट प्रोमिस वी हैव डन वी शुड थ्रो गार्बेज डेली फ्रॉम अवर होम इन टू अ डस्टबिन प्लेस्ड आउटसाइड एक तो पहली बात है जितना भी गार्बेज है वो सारा डस्टबिन में डालना है सेकंड थिंग उस डस्टबिन को डेली खाली भी करना होता है वी शुड नॉट अलाउ वॉटर टू कलेक्ट एनी वे इन साइड और अराउंड द हाउस ये बात आप ध्यान रख सकते हैं बेटा जैसे आप खेल रहे हो या आप वैसे भी कहीं ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो ध्यान रखिए इस बात का कि कहीं पर भी वेस्ट वाटर जो है वो कलेक्टेड नहीं होना चाहिए भरा हुआ नहीं होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कोई पुरानी बकेट है कोई बॉटल है कोई टायर है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पानी इकट्ठा हो रखा हो और बड़ों का ध्यान भी कई बार नहीं जाता है आपका ध्यान चला जाता है तो भी आप आ करके अपने बड़ों को बता सकते हैं कि वहां पे गंदा पानी भरा हुआ है वो साफ होना चाहिए ठीक है साफ करना नहीं है बट बताना जरूर है बड़े अपने आप सोल्यूशन क्योंकि बेटा जब कहीं पे पानी इकट्ठा रहता है तो वहां पे मच्छर जो होते हैं मक्खियां जो होती हैं कीटाणु जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं वो लोग उसे अपना घर बना लेते हैं और अगर वो मछियाँ सॉरी मक्खियाँ या मच्छर हमें काटेंगे या मक्खियाँ हमारे खाने की चीज़ पे बैठ जाएँ हमारे ऊपर बैठ जाएँ तो वो हमें बीमार कर देते हैं मलेरिया हो गया डेंगू हो गया चिकनगुनिया हो गया इसका मेनली रीज़न यही होता है ये गंदे पानी में ही पनपते हैं ठीक है तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके घर के आसपास या घर के अंदर कहीं भी गंदा पानी जमा ना हो Stagnant water breeds mosquitoes and flies. Stagnant water means पानी जब भर जाता है तो वहां पे मच्छर जो होते हैं मक्खियां होती हैं मच्छर मॉस्कीटो फ्लाइज मक्खियां वो तैयार हो जाती हैं वो अंडे भी दे, दे देते हैं मस्कीटोज स्प्रेड डिजीजे लाइक मलेरिया डेंगी एंड चिकनगुनिया मॉस्किटो जो होते हैं मच्छर जो होते हैं वो कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं जैसे आपको अभी बताया है मलेरिया हो गया डेंगी बताया है चिकन कुनिया बताया है ये सारी खतरनाक बीमारियां जो होती हैं मच्छरों से होती हैं फ्लाइज गार्बेज एंडीजेज मच्छरों के जैसे ही मक्खियां भी खतरनाक होती हैं गंदी जगह पे बैठ ठीक बैठेंगी फिर आ के कहीं हमारे ऊपर या हमारे खाने की चीज़ के ऊपर बैठगी तो वो गंदगी वहीं छोड़ जाएंगी और हमें बीमार कर देंगी इसलिए इनसे बच के रहो और ये बता दिया रीजन वो रीजन इनका कहाँ है गंदा पानी स्टेगनेंट वाटर जहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है वहीं पे ये अंडे देते हैं वहीं पे पनपते हैं तो इन्हें पनपने ही मत दो डिड यू नो room रूम इन house used ओनली फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इज कॉल्ड अ स्टडी जी स्टडी या स्टडी रूम जिसे हम कहते हैं घर में एक स्पेशली एक कमरा होता है जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं चाहे बच्चे हैं बड़े हैं स्टडी वर्क जो हमें करना है वो हम लोग उसी कमरे में करते हैं पढ़ने के लिए स्पेशली जो कमरा बनाया जाता है उसे स्टडी रूम कहते हैं इसके बाद आते हैं बेटा यहाँ पे हाउ कैन यू हेल्प योर पेरेंट्स कीप द हाउस क्लीन कैसे हेल्प करोगे अब देख लो साफ सफाई कितनी ज्यादा जरूरी है मम्मा कितनी मेहनत करती हैं कैसे घर साफ सुथरा रखती हैं आप लोग एटलीस्ट साफ सफाई में हेल्प नहीं कर सकते तो घर को गंदा तो मत करो चीजों को जगह पे तो रख सकते हो ठीक है oh, एन ओपनिंग इन अ रूम दैट हेल्प्स इन सर्क्यूलेशन ऑफ एयर सर्क्यूलेशन वेंटिलेटर क्या है बेटा एक ऐसी छोटी सी विंडो टाइप में होती है जो कमरे के अंदर फ्रेश एयर को आने देती है और जो स्टेली हवा होती है या बासी हवा होती है उसे बाहर भेज देती है सर्कुलेशन अगला पढ़ेंगे सर्कुलेशन क्या है The movement of something for example air or water around an area mop a tool with a long handle and circulation have it a movement okay of something kisi movement for example air water around an area circulation means कि जैसे फ्रेश एयर अंदर आ रही है और जो बासी हवा है जो स्टेल एयर है वो बाहर जा रही है सर्कुलेट होना जैसे आपकी साइकिल का टायर घूमता है ना सेम वो प्रोसीजर आना जाना सर्कुलेट होना उस चीज़ को कहते हैं ठीक है

और एंड में उस पर क्या लगा होता है या तो धागे लगे होते हैं बहुत सारे या फिर कोई कपड़ा होता है यूज फॉर वॉशिंग फ्लोर जिससे हम अपने फर्श को साफ रखते हैं स्टैगनेंट वाटर दैट इज नॉट मूविंग स्टेगनेंट मीन्स एक जगह पे खड़ा हुआ पानी जल भराव जिसे हम कहते हैं पानी जब एक जगह पे खड़ा हो जाता है रुक जाता है ब्रीड्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ सम ब्रीड मीन्स बच्चे अंडे देना अपनी जो हमारी मीन्स जैसे मक्खियां हैं मच्छर हैं वो ब्रीड करते हैं ठीक है अपनी कैटेगरी को और बढ़ाते हैं और ज्यादा मक्खियां पैदा करेंगे और ज्यादा मच्छर पैदा करेंगे

आपका किचन हुआ बाथरूम हुआ बेडरूम हुआ डाइनिंग रूम हुआ गैरेज हुआ सबका अलग अलग काम है स्टडी है आपकी इस तरीके से हाउस एंड द वेंटिलेटर्स हेल्प टू रिमूव स्टेल एयर फ्रॉम रूम्स विंडोज जो होती है बेटा तो खिड़कियाँ जो होती हैं या वेंटिलेटर हैं या हमारे डोर हैं। इन सभी का काम एक ही है फ्रेश एयर को अंदर लाना और एयर मीन्स बासी हवा को बाहर फेंकना अ होम शुड बी केप्ट क्लीन लिविंग इन अ डर्टी हाउस कैन मेक अस इल भाई देखो घर बनता है बड़ी मेहनत से बनता है बहुत पैसे खर्च भी होते हैं बहुत सपने भी होते हैं अलग अलग कमरे भी बनाए जाते हैं उन्हें डेकोरेट भी बड़े प्यार से किया जाता है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने घर को साफ सुथरा रखें इससे एक तो आपका घर सुंदर दिखेगा आपकी जो दुनिया है आपका जो संसार है वो खूबसूरत बनेगा और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो घर साफ सुथरा होगा वहाँ पे बीमारियाँ नहीं आती हैं तो बीमारियों से भी अपने घर को बचाना है और उसे सुंदर भी बनाना है आप आगे आती है बेटा आपकी एक्सरसाइज चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया काफ़ी अच्छा काफ़ी प्यारा आपका चैप्टर है काफ़ी कुछ इसमें अच्छी बातें हैं तो उन्हें सिर्फ सुनना ही नहीं है फॉलो भी करना है फर्स्ट है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन सर्कल करना है जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा विच वन ऑफ दीज हेल्प टू रिमूव जर्म्स फ्रॉम द हाउस घर से जर्म्स को कौन भगाता है स्टेगनेट वाटर फ्लाई सनलाइट मॉस्किटो तो सनलाइट जो हमारी होती है सूरज की रोशनी वो घर से जर्म्स को भगाने में हेल्प करती है सेकंड है विच ऑफ दी शुड अ हाउस है घर में क्या होना चाहिए

या नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द रूम विल हेल्प अस स्टे हेल्दी मॉस्किटोज विल ब्रीड इन द हाउस डी ऑप्शन इज करेक्ट घर पे मच्छर ही पैदा हो जाएंगे और एक दो ही पैदा नहीं होंगे वो अपने जैसे और बहुत सारे पैदा कर देंगे और फिर बीमार कर देंगे घर वालों को विच ऑफ दे शुड बी डन एवरी डे इन होम घर पे रोज क्या होना चाहिए थ्रो इन अ बिन ओपन विंडोज फॉर एयर सर्कुलेशन कीप द किचन फ्लोर क्लीन एंड ड्राई ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट सब सारे काम घर में होने चाहिए डस्टबिन को डेली साफ़ करना है विंडोज़ टाइमली बंद करनी है खोलनी है किचन को किचन की, फ्लोर जो है वो साफ़ और सूखा रखना है ताकि कोई गिरे पड़े ना वहाँ पे और साफ सुथरा भी वो होना चाहिए ये सारे काम हमें करने हैं वाई डू वी अ हाउस इसलिए चाहिए घर भाई घर नहीं होगा तो क्या होगा भाई एक घर हमें हीट से कोल्ड से और रेन से स्नो से एनिमल से थीम से सबसे बचाता है और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रहने के लिए घर की ज़रूरत है घर नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे वट इज वेंटिलेटर वेंटिलेटर इज एन ओपनिंग इन अ रूम दैट हेल्प इन इन द सर्कुलेशन ऑफ एयर यहाँ से आप अंसर लिख सकते हैं वेंटिलेटर एक ऐसी जगह होती है जो एयर सर्कुलेशन में हेल्प करती है वाई शुड वी अलाउ सन लाइट इन द इन अवर हाउस सन लाइट किस लिए चाहिए घर में क्योंकि इसे जर््स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं बिकॉज सन लाइट रिमूव जम्स फ्रॉम द हाउस यहीं से आंसर मिल जाएगा वाई शुड वी अलो हाउ कैन मॉस्किटोज बी स्टॉप फ्रॉम एंट्रिंग हाउस घर में मच्छरों की एंट्री को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो हमें घर में जितनी भी हमारी विंडोज हैं उन विंडोज पे हमें वायर स्क्रीन लगानी चाहिए जाली लगानी चाहिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा लुक एट पिक्चर इन द वेरियस रूम्स गिवन ऑन पेज सेवेंटी राइट डाउन विच एक्टिविटी इज डन इन ईच रूम पेज नंबर सेवेंटी सिक्स आपको देखना है ये पेज आपको देखना है और यहाँ पे ये घर आप लोग देख रहे हो ये यहाँ पे साथ में रूम्स के नेम भी लिखे हुए हैं इन्हें देखिए और फिर आपको बताना है कि हम अलग अलग रूम्स में कौन कौन सा काम करते हैं जैसे फर्स्ट वन इज रिटर्न किचन किचन में क्या होता है खाना बनता है सेकेंड वन इज़ लिविंग रूम लिविंग रूम में क्या होता है वी मीट गेस्ट्स इन द लिविंग रूम हम मेहमानों से लिविंग रूम में ही मिलते हैं बातें करते हैं बाथरूम बाथरूम में हम क्या करते हैं वी टेक बाथ इन द बाथरूम फोर्थ वन डाइनिंग रूम वी

अभी बेटा अगर चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कॉल कर सकते हो पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है हर एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बातें इस चैप्टर में आपको बताई गई हैं अबाउट अ क्लीन होम डैट मस्ट बी प्रेजेंट इन योर होम वो आप बातें आपको अपने घर में इम्प्लीमेंट भी करनी है ठीक है अगर साफ़ सफाई कर नहीं सकते तो साफ़ सफाई में योगदान दीजिए घर को साफ सुथरा तो रख ही सकते हैं ठीक है आप अच्छे से पक्के वाला प्रॉमिस कर दीजिए आप हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे हमेशा चीज़ों को उनकी जगह पे रखेंगे और जहाँ साफ सफाई कर रखी होगी बेटा उसे ख़राब नहीं करेंगे ओके थैंक यू बेटा हैव अ गुड डे